हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। भाई वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है। और ये देखिए, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा गोल्ड जग बनाया है। और ये गोल्ड जैकेट की फरमाइश बहुत टाइम से मुझे आ रही थी। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, लग ही नहीं रहा है कि ये जैकेट है, लग रहा है जैसे कि कोई थालपोश है ना। तो मैंने ये वीडियो कुछ वक्त पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर लोगों के कमेंट आए थे कि मैं ये वीडियो बनाना बताऊं, मतलब इस जैकेट को बनाना बताऊं। तो ये जैकेट मैंने आज बनाया है और ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ये, है ना। और इसका आर्म होल जो है वो मैंने बनाना बताया है आपको। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ रेड से बताया है, आप उसके बाद में इस तरह से वाइट का भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो देख सकते हैं आप, क्रीम और रेड कलर है। क्रीम कलर अपने आप में ही बहुत सुंदर कलर है, और उसके साथ कोई भी कलर ऐड करने के बाद वो और भी अच्छा लगने लगता है। तो आप कलर फिर भी आप अपने हिसाब से लें कि आपको कैसा पसंद है। और इसको बनाने के बाद आप पीछे का जाल देख सकते हैं, ये बैक साइड आएगी इसकी, और बैक साइड आप देख सकते हैं सुंदर लग रही है। और ये वाली साइड जो आएगी फ्रंट साइड आएगी, और ये वाला डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं जो बहुत सुंदर लगता है। और इसको लगाने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ पॉम पॉम भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, दो डोरियाँ लगाकर दो पॉम पॉम लगाए हुए हैं, दो बटन लगाए हुए हैं, ठीक है ना। इस तरह से मैंने इसको बनाया है। और इसमें वूल की बात करें तो 1 पाउंड से तो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, लगभग 50 ग्राम वूल ज़्यादा लगी है। तो इसको मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आएगा, और ये इसके दोनों साइड आर्म होल हैं, और ये हमारा जो कॉलर आ जाएगा इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये दो बटन लगाए हुए हैं, आप एक बटन भी लगा सकते हैं या फिर विदाउट बटन के भी इसको रहने दे सकते हैं। इस तरह से मैंने काज भी बनाए हुए हैं ऐसे, जो सुंदर लग रहा है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप कितनी सुंदर सी जैकेट बनकर तैयार हुई है। और आप इसको बनाएंगे तो सच में आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि ये आपने बनाया है, सब लोग को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है, ठीक है ना। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो बस आपको इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि इसी तरह के और भी सुंदर सुंदर जैकेट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ हमने सबसे पहले मैंने एक ये ऊन ले ली है, और 11 नंबर का क्रोशिया लिया है मैंने इसको बनाने के लिए। और ये देखिए, पहले हमें यहाँ पे कुछ चेन ले लेनी है, और कुछ चेन लेने के बाद इसको जॉइन कर देना है इस तरह से। और 3 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, और ये डबल क्रोशिया हमने 16 टाइम बनाना है, ठीक है ना। एक ही इसमें से निकालेंगे, 16 टाइम बनाएंगे तो एक हमारा राउंड सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर इसको 15 टाइम बनाया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 16 हो जाएंगे, ठीक है ना, 16 हो जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है, और फिर से वापस हमने यहाँ पर 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन बनाने के बाद फ्रेंड, हमने यहाँ पर हर चेन में क्या करना है, इस तरह से पफ स्टिच बनानी है, इस तरह से पफ स्टिच बोलते हैं इसको। इसको 3 टाइम एक ही फंदे से निकालेंगे इस तरह से, और ये हमारा इसको ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा पफ स्टिच बन जाएगा। और बस इतना ही करना है। इसके बाद क्या करना है, सेकंड वाले में भी इस तरह से 3 बार खींच कर बनाएंगे तो ये पफ स्टिच बन जाएगा, और ये हर चेन में से इसी तरह से बना लेंगे। ये हमारा तो हमारा ये 1 राउंड जो है वो पूरा बन गया है। और ये पूरा बनने के बाद हमने यहाँ से इसको, ये जो चेन है यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से, और फिर वापस 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद अभी हमारे ऊपर फंदे जो बढ़ने हैं वो फंदे इस तरह से बढ़ेंगे कि नीचे हमने 3 स्टिच लिया था, ऊपर 4 स्टिच लेना है इस तरह से। जो नीचे 3 टाइम लिया था, ऊपर 4 टाइम लेना है। ये देखिए, इस तरह से 4 टाइम इसको स्टिच लेंगे, और एक चेन ले लेंगे साथ में। तो इस तरह से हमारे ऊपर फंदे जो हैं वो बढ़ जाएंगे।
ऐसे, और ये, और एक चेन के साथ में हमने इसको ऐसे बना लेना है, और ये हमारा ऊपर तक ऐसे बन जाएगा, इसके फंदे भी बढ़ जाएंगे। तो इसको पूरा राउंड करके मैं आपको दिखा। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो सेकंड राउंड है वो पूरा हो चुका है। फिर लास्ट में हमने इसको यही करना है, यहाँ पर जो चेन है हमारी इससे के साथ में ज्वाइन कर देना है, राइट। फिर हमने यहाँ पर थ्री चेन ले लेनी है इस तरह से, और फिर थ्री चेन लेने के बाद में हमने क्या करना है, हर चेन के अंदर चार डबल क्रोशिया बनानी है। चार डबल क्रोशिया मतलब एक डबल क्रोशिया होती है ना, एक डबल क्रोशिया होती है इसको, मतलब ऐसे करके बनाना है। पर हमने ये वाली नहीं बनानी है, हमने बनानी है थ्री वाली, ऐसे करके डबल फंदे से इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे डाला फंदा और ये लिया, और ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से हमने हर चेन में से चार बार डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे फंदे जो हैं आगे जाके बढ़ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से पूरा बना लें, बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा जो राउंड है वो पूरा बनकर तैयार हो गया है, और लास्ट में भी हमने ये फोर टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन के साथ जॉइन कर देना है। तो यहाँ पर हमारा पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर भी थ्री स्टिच ले लेनी है इस तरह से। थ्री चेन लेने के बाद में क्या करना है, हमने यहाँ पर नहीं, दो ही चेन लेनी है हमें, सॉरी। फिर दो चेन को स्किप करके तीसरी वाली में हमने क्या करना है, फिर उसमें भी हमने इसी तरह से डबल क्रोशिया लेनी है, दो चेन लेनी है, और फिर वापस इसी के अंदर से दो डबल क्रोशिया लेनी है इस तरह से, फिर दो चेन लेनी है इस तरह, फिर ठीक है। फिर दो चेन लेने के बाद दो चेन यहाँ पर स्किप कर देनी है, और तीसरी वाले में हमने यहाँ पर इसको सिंगल स्टिच के साथ में जोड़ देना है, ठीक है ना, आ रहा है समझ। फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर वापस से दो चेन लेनी है, दो चेन लेने के बाद दो चेन यहाँ पर स्किप करनी है, फिर दो चेन लेने के बाद में दो चेन को स्किप करेंगे, तीसरी वाली में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है, फिर यहाँ पर भी दो चेन लेनी है, दो चेन लेकर वापस इसी जगह से डालना है इस तरह, फिर दो चेन लेनी है, और फिर दो चेन को स्किप करना है, फिर तीसरे वाले में डालना है, और सिंगल चेन के साथ में ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह का हम बोल सकते हैं जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसका ये बेस है। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन में हमने इसका बेस को तैयार कर लेना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, दो चेन, फिर दो चेन को स्किप करने के बाद में एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर दो चेन, फिर वापस इसी जगह पर डालकर हमने डबल क्रोशिया बना लेनी, दो चेन के साथ में सिंगल स्टिच के साथ में हमने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। तो इसी तरह से ये हम पूरा राउंड सर्कल जो है अपना तैयार कर लेंगे, और आप भी इसी तरह से बनाने के बाद आगे देखते हैं। और ये देखिए, ये बन गए हैं, और ये लास्ट में हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया है, और ज्वाइन करने के बाद में हमने इसको यहाँ तक लेकर आना है सिंगल स्टिच के साथ में, ठीक है ना। यहाँ पर लास्ट में लेकर आएंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ पर थ्री चेन ले लेंगे इस तरह से। थ्री चेन लेने के बाद में हमने जो ये बनाया है ना, जो बेस जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ से इसके अंदर से फंदे को लेना है इस तरह से। हमने यहाँ पर ऐसे डबल क्रोशिया बनानी है, और फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया बनानी है इसके अंदर से, ठीक है। फिर दो बार दो चेन ले लेनी है, फिर यहाँ पर वापस दो डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। दो बार डबल क्रोशिया लेने के बाद में फिर इसके यहाँ से, जैसे हमने यहाँ से यहाँ लिया है, और यहाँ पर इस तरह से, और इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो बनी हुई है, इसमें से हमने ये अंदर से क्रोशिया डालनी है। तो एक डबल क्रोशिया हमने ऐसे बनानी है, फिर दो डबल क्रोशिया हमने यहाँ से बनानी है, ठीक है ना। फिर दो डबल क्रोशिया यहाँ से बनानी है, फिर दो चेन ले लेनी है, फिर दो डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह, ये देखिए, और फिर यहाँ से इसके अंदर से बना देना है, और बस ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। और इसी तरह से मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ, ईजी है, इसी तरह से देखिए बनाए। एक डबल क्रोशिया अंदर से बनानी है, दो डबल क्रोशिया हमने, फिर दो चेन ले लेनी है,
ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका पूरा राउंड जो है बना लिया है। आप देख सकते हैं सुंदर सा बनता जा रहा है ये। और अभी हमने सेकंड राउंड जो इसका है वो क्या करना है, हमने यहाँ पर ये पूरा कर लेने के बाद यहाँ चेन के साथ ज्वाइन करना है इस तरह से। और ये ज्वाइन कर लेने के बाद में हमें यहाँ तक आना है, ठीक है ना, सिंगल स्टिच के साथ में इस तरह से यहाँ तक आ जाना है ऐसे। तो यहाँ पर हमने यहाँ आने के बाद में हमने यहाँ पर अब क्या करना है, आगे अगर हमें फंदे बढ़ाने हैं तो एक फंदा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे कि नीचे हमने दो लेने थे, यहाँ पर हम तीन लेंगे फंदे, ठीक है ना। ये रहे तीन फंदों के बाद में हमने यहाँ पर दो डबल मतलब एक डबल क्रोशिया के बाद दो चेन बनानी है, और दो चेन के बाद में एक डबल क्रोशिया। फिर वही प्रोसेस रहेगा जो हमने नीचे किया था, मतलब नीचे वाली लाइन में ऐसे किया था, यहाँ से ज्वाइन कर देना है ऐसे। फिर यहाँ पर थ्री चेन बना लेनी है, थ्री चेन बनाने के बाद में फिर इन दोनों रॉ के बीच में से हमने निकाल देना है फंदा इस तरह से, ठीक है ना। डबल क्रोशिया बनाई, दो चेन बनाई, फिर डबल क्रोशिया बनाई, और फिर ये तीन चेन बना लेने के बाद में इस वाली रॉ के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। फिर जैसा बेस हमारा ये नीचे आया था वैसे ही यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये जो दूसरा राउंड है ये भी हमारा बन चुका है। ये देखिए, तो यहाँ पर दो चेन ली और ये डबल क्रोशिया, फिर थ्री चेन लेने के बाद में हमने यहाँ पर इसके साथ में ज्वाइन कर देना है इस वाली रॉ के साथ में, ठीक है ना। फिर इसको हमने सिंगल क्रोशिया के साथ में यहाँ तक लेकर के आना है, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर थ्री चेन बना लेनी है इस तरह से, और फिर जैसे हमने नीचे बनाया है वैसे ही बनाना है इस तरह से। ये रहा, ये देखिए, और फिर वही चीज़ सेम चीज़ रिपीट करनी है। दो डबल क्रोशिया बनानी है, दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो बार चेन बनानी है, ये देखिए इस तरह से। लाउड बहुत है, प्लीज़ इग्नोर करना, शोर बहुत होता है। तो देखिए इसी तरह से हमने ये चीज़ भी बार बार मतलब बना लेनी है, लेकिन हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, एक एक फंदा हमने नीचे की साइड पे बढ़ाया था और एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा देना है इस तरह से। हर रो के साथ हमने यहाँ पर सिंगल फंदा ले लेना है, मतलब एक चेन ले लेंगे तो फंदा हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो बस इसी तरह से बनाते जाना है। तो बना करके मैं आपको, तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया था जो शुरू में बनाया था वो यहाँ पर दो डबल क्रोशिया के साथ बनाया था, ठीक है ना। दो लाइन हमने दो डबल क्रोशिया के साथ शुरू की थी, फिर उसके बाद में हमने ये जो तीसरी वाली रॉ है यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया के साथ शुरू की थी, और यहाँ पर आ गए ये देखिए, ये चार डबल क्रोशिया के साथ हमने शुरू की है। तो इस तरह से हमारे फंदे यहाँ पर बढ़ गए थे, और इस रॉ के बाद में हमने यहाँ पर तीन तीन डबल चेन भी बनाई थी, जिससे कि हमारे ऊपर जाकर फंदे बढ़ गए थे, ठीक है। तो नीचे की रॉ और ऊपर की रॉ आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये चार के बनाने के बाद हमने यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर इस तरह से हर चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। ये जितनी भी रॉ हैं हमने इसके साथ हर चेन में ऐसे डबल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ पर दो चेन ली थी हमने, तो यहाँ पर हमने दो बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये हर चेन में हमने डबल क्रोशिया बना ली है, और यहाँ पर हमने तीन चेन ली थी तो हमने यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बना लेनी है इस तरह से।
तरह से जैसे हमने ये वाली रॉ के ऊपर बनाया है वैसे ही बाकी के सारे उसके ऊपर बनाते जाएंगे। ये देखिए मैंने हर रॉ पर हर चेन पे इस तरह से डबल क्रेशिया बना ली है। और फिर चेन के साथ जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर 3-4 बार डबल चेन बना लेनी है और इस तरह से करना है। तो हमने यहाँ पर ये देखिए 4 बार लेना है, ठीक है। तो फिर 2 चेन लेनी है और फिर 2 चेन लेने के बाद में फिर वापस इसी जगह पे डालना है इस तरह से, देखिए ऐसे। फिर 2 चेन लेनी है और 2 चेन लेने के बाद एक चेन को स्किप करना है और दूसरी वाली चेन में डालना है इस तरह से, ठीक है। फिर 2 चेन ऊपर 2 चेन लेनी है, नीचे 2 चेन एक चेन स्किप करनी है, फिर इस तरह से 4 बार राउंड राउंड करना है और ये 4 बार क्रोशिया इस तरह से बनानी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारा बनता जाएगा। ऊपर 2 चेन लेनी है यहाँ पर और यहाँ पर नीचे एक चेन छोड़नी है और इसी तरह से हम पूरा बना। तो देखिए फ्रेंड हमने जो पूरा राउंड है वो पूरा कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए इस तरह से हमारा ये जाल बनता गया है। और अभी हमने यहाँ पर भी बस ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये डबल क्रोशिया से तैयार किया है वैसे हमने यहाँ इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया से तैयार करना है इसको। तो ये ऊपर जो हमने 2-2 चेन ली हैं तो बस हर उसमें हर चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है और इसी तरह से हमारा पूरा राउंड सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये इसमें 2 बार लिया है, फिर इसमें से भी हमने ये 2 बार लेना है। 2 चेन है तो हमने 2 बार करके डबल क्रोशिया बना लेनी है और इसी तरह से हमारा ये जो पूरा है वो तैयार हो जाएगा। तो बहुत कम करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं आप देख पाएँ, कुछ भी मिस ना कर पाएँ और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो पाए, है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है आप स्किप करके देखते हैं तो आपको स्किप करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो मेन मेन डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ और आप पूरा करके आप इसको बना लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन जो है वो अच्छा भी लग रहा होगा और जिस जैसे मैं बता रही हूँ समझा रही हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। बस इस तरह से इसको पूरा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड ये वाला राउंड भी हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद हमने ये वाला बना लिया है और अब इसके ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था ये वाला जो हमने शुरू में बनाए थे ये लॉन्ग स्टिच पफ डिज़ाइन वही हमने यहाँ पर बनाना है इस तरह से। तो 3 टाइम करना है हमें लॉन्ग स्टिच और ये हो गया हमारा, नॉट लगा देनी है इस तरह से और ये रहा। और इसी तरह से बनाते जाना है। और ये पूरा राउंड भी हमने इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर ये जो मैंने बताया था डिज़ाइन आपको वो मैंने पूरा कर लिया है। पूरा राउंड पूरा कर लेने के बाद में हमने हमारा जो राउंड है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ चेन ले ली हैं तो आपको करना क्या है कि ये वाला साइड जो रहेगा आपको इंची टेप से मेजर कर लेना है। ये बॉर्डर शोल्डर का साइज़ रहेगा हमारा, तो ये शोल्डर और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा जो है ना मुड्ढा रहेगा और यहाँ से यहाँ तक ये मुड्ढा रहेगा। तो मुड्ढे के लिए हमने यहाँ पर कुछ चेन बना ली है तो आप इंची टेप से मेजर करके जितना भी रखना है 7 इंच का या फिर 8 इंच का या फिर 6.5 जितना भी आपको फिट रहता हो उतना कर लेने के बाद में हमने देखिए यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है। तो जितनी रो हमने यहाँ छोड़नी है उतनी रो यहाँ पर हमने काउंट करके छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। वो कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको।
ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने मेजर करने के बाद में देख लिया था, तो मैंने यहाँ पर काउंट की थी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 21, तो हमने यहाँ तक कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। आप बिल्कुल अपने हिसाब से रखिएगा कि आपको कितना बड़ा रखना है, ठीक। तो यहाँ पर करने के बाद में देखिए, यहाँ से ज्वाइन करने के बाद हमने यहाँ से उनको कट कर देना है। ये देखिए, यहाँ से ज्वाइन करने के बाद हम उनको कट कर देंगे और इसको निकाल देंगे। ठीक है ना। और अब ये देखिए, ये हमने शोल्डर का साइज़ भी ये अपने हिसाब से मेजर कर लिया था, आप अपने हिसाब से कर लें। और यहाँ पर ये जो, अगर आपके पास हुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे भी नाप सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह का कोई दूसरी कलर का ऊन का टुकड़ा लगा दें, ताकि आपको याद रहे कि आपने कहाँ से लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से बस हमने इतना करना है, और उसी तरह से चेन बना लेनी है जिस तरह से वहाँ बनाई है हमने। चेन बना लेने के बाद में जितनी चेन उस साइड बनाई है उतनी चेन यहाँ बना लेकर वहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, एक शोल्डर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये नीचे की साइड जो रहेगी वो हमारी लटक रहेगी, और दूसरा ये रहा हमारा आर्म होल, और एक आर्म होल ये रहा, और ये हमारा शोल्डर का साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने इसको ज्वाइन कर लिया है यहाँ से यहाँ तक। अभी इसमें हमने डिज़ाइन बनाते जाना है, तो वो डिज़ाइन हमारा ये रहेगा। ये देखिए, एक साथ हमने इस तरह से फंदे लेने हैं, ये दो फंदों को हमने छोड़ देना है एक, ठीक है। फिर ये बाद में हमने एक साथ लेने हैं इस तरह से, ठीक है ना। देखिए कितने बार हो गया, 4 बार, ठीक है, इस तरह से। और फिर एक चेन ले लेंगे, तो ये इस तरह से हमारी एक रॉ बन जाएगी, एक इस तरह से बनानी है, ठीक। और इसी तरह से हमने पूरा ये बनाते जाना है आर्म होल के साथ में। तो इसको मैं बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इजी सा है। मेन चीज़ पता है क्या, आपको देखिए जो भी डिज़ाइन आता है, मैंने इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो आपको समझ ना आता हो, ठीक है ना। ये देखिए, आप बस स्टार्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना। अभी यहाँ को स्टार्ट कर लेने के बाद में आपको ये डिज़ाइन समझ आ रहा है, आपने ये डाल देना है, ठीक है, ये समझ आ रहा है ये डाल देना है। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया समझ आ रही है वो डाल सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है ये डाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ और अच्छा लग रहा है वो डाल सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है आपको कि आगे के फंदे जो हैं हमारे, कुछ डिज़ाइन ऐसा हो जो आगे के फंदे बढ़ते जाएँ, जब ये फंदे बढ़ेंगे तभी हमारा ये राउंड सर्कल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो इजी सा है, बस यही इजी सा मेथड है, बाकी का जो आगे का मैं बनाऊंगी वो इसी डिज़ाइन में बनाऊंगी। तो बनाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसको बहुत सारा बना चुकी हूँ, मैंने जो डिज़ाइन आपको दिखाया था उससे ये इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। और आगे की साइड आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये कुछ रॉ बनाई है, मैंने 8 बार रॉ बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर रेड कलर की ऊन को ज्वाइन किया था, ठीक है ना। फिर एक रॉ इसकी बनाई थी, फिर एक वाइट की बनाई थी, फिर एक लास्ट में एक रेड कलर की रॉ बनाई है, ठीक है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये आर्म होल जो मैंने ओपन किए थे वहाँ से भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर बनाया हुआ है, और दूसरा बॉर्डर मैं बना रही हूँ जो आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनाया है। और वो वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये हमारा ये जो कॉलर रहेगा, ठीक है ना, ये हमारी नीचे की साइड रहेगी और ये आर्म होल रहेंगे। स्वेटर का लुक कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। तो जो रेड कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा लग रहा है। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने, आप यहाँ पर स्लीव्स भी तैयार कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये बनाया है, तो आप इसको आगे आगे बढ़ाते जाएं और फंदे कम करते जाएंगे तो हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएगी। बट मैं इसको यहाँ पे विदाउट स्लीव्स बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बॉर्डर बनाया हुआ है,
ठीक है ना। तो मैं दिखाती हूँ मैंने इसको कैसे तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो आर्म होल ओपन किया था, फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये परफेक्ट स्टिच बनाया हुआ था, है ना। और एक साइड में क्या था, एक साइड में जो हमने दूसरा वाला डिज़ाइन बनाया था वो था। तो इसको जॉइन करने के बाद में हमने हर स्टिच में से, ये देखिए हर ये जो चेन है इसमें से दो बार डबल क्रोशिया बनाई है, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे करना है, दो बार डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, एक चेन में से ऐसे करके। अभी आपको लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जब शुरू करेंगे तब आपको समझ आएगा। इसको बनाना बहुत इजी है, बहुत सारा बनाने के बाद ही मैंने आपको दिखाया है। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि जो मैंने डिज़ाइन आपको बताया है बस उसको ही बनाते जाना है, कुछ करना नहीं है उसको। जितना आप बनाते जाएंगे आगे आगे और ये बढ़ता जाएगा। कलर की बात है तो कलर भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, किसी एक कलर में बना सकते हैं या फिर दो कलर में इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए इसको इस तरह से बनाना है, और ये इस वाले में भी हमने ये दो बार बना देना है डबल क्रोशिया, ठीक है। और ये लास्ट में हमने इसको इसके साथ में जोड़ देना है ऐसे। और फिर जो हमारा बॉर्डर तैयार होगा वो कुछ इस तरह से तैयार होगा कि एक फंदा हमने ऐसे ऊपर से मतलब क्रोशिया को डालकर बनाना है ऐसे, और दूसरा वाला जो है पीछे की साइड को लेकर जाना है क्रोशिया को इस तरह से। बस इसी तरह से करते जाना है, एक फंदा आगे की साइड से उठाना है और एक फंदा पीछे की साइड से उठाना है, इतना ही करना है। और हमारा बॉर्डर जो है वो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।